अपना पॉलिटिकल स्किल है और दूसरा हंसी के ठाकुर का। हंसी के ठाकुर से तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। राइट, तो प्लीज वेलकम मिस्टर रमन एंड देवेश पांडे। सिंह के मुंह से हिरण छीन नहीं सकता। हमारी विचारधाराएं चाहे जितनी भी अलग हो, दो सिंहों को मिलने से कोई रोक नहीं सकता। गुरु, कोई रोक नहीं सकता। शुक्रिया जनाब। मैडम जी भी आ रहे हैं, मैं जरा पहले उनके लिए जगह मान लूं। ओए आपके लिए जगह मिली है, आप टाइम से पहुंच जाइएगा। आप इतना हंस के रहे थे। सूरज पर प्रतिबंध अनेकों और भरोसा रातों पर। नैन हमारे सीख रहे हैं हंसना झूठी बातों पर, हंसना झूठी बातों पर। सीमा नहीं होती, पृथ्वी की कोई तुलना नहीं होती है, साधु की कोई जाति नहीं होती है, और पारस और हर गुण वाले व्यक्तियों का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। खुशबू हवा के विपरीत नहीं जा सकती है, लेकिन मानवीय गुणों से भरपूर व्यक्ति की खुशबू चारों ओर फैलती है। गुरु, चारों ओर आपकी खुशबू देश के कोने कोने में, समाज के कोने कोने में फैल रही है। गुरु, समाज के उत्थान के लिए आपने क्या किया है? देखिए, जहाँ तक समाज का प्रश्न है तो सारा विश्व जानता है कि हमने इस मुल्क के लिए क्या क्या किया है। हमने भारत में स्लम को इतना बढ़ावा दिया है कि वो देश विदेश में ऑस्कर के नाम पर अपनी एक पहचान बना रहा है। हमने भारतीय नारी को इतना प्रभावशाली बना दिया है कि वो टेलीविजन के माध्यम से अपना स्वयंवर ढूंढ रहे हैं। हमने ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत हर एक ग्राम में इतने बोरवेल बना दिए हैं कि उसमें मध्यम वर्गीय परिवार और गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के बच्चों उसमें गिरकर अपने लिए बचपन से ही आजीविका कमा रहे हैं। जो तू सोचता है वो ना तेरे संन्यास में है, जो तू सोचता है वो ना तेरे वनवास में है। खुद के भीतर देख, झांक कर देख, सब कुछ तेरे आत्मविश्वास में है। और यही आत्मविश्वास आज हमारी खिलाड़ी ने आपने पैदा किया है। खेल के स्तर को सुधारने के लिए आपने क्या क्या किया है? देखिए, जहाँ तक खेल का प्रश्न है, क्रिकेट एक भारत का सर्वप्रिय खेल है। हमने भारतीय क्रिकेट टीम की गिरती हुई परफॉर्मेंस को देख के, जल्दी गिरते हुए विकेट को देख के मैचेस को छोटा करने का निर्णय लिया था। टेनिस में सानिया मिर्जा के अकेलेपन को देखकर, उसकी लेजी परफॉर्मेंस को देखकर हमने उसके लिए विवाह समारोह आयोजित किया है। तेरे लिए एक घना विश्वास हूँ, तेरे लिए पंख फैला के जरा उड़ के तो देख, खुला आकाश हूँ मैं तेरे लिए। वापस पटरी पर लाने के लिए आपके पास क्या क्या सुझाव हैं? देखिए, ग्लोबल इन्फ्लेशन को देखते हुए, बढ़ती सब्जियों और फलों के दामों को देखते हुए, हमने उचित मात्रा में देश विदेश से अचार और कच्चे फलों को निर्यात करने का निर्णय लिया है। मंदिर के दौर में देखिए, हमने क्रिस में कितना ग्रैंड फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा की पूजा केवल उसके देश में होती है, लेकिन विद्वान पुरुष की पूजा तो हर जगह होती है। आप तो खुद एक विद्वान पुरुष है और विद्वता का मतलब जानते हैं। देश में विद्वान पुरुष आप जैसे पैदा हो, उसमें शिक्षा की गुणवत्ता में किस तरह का सुधार होना चाहिए?
देखिए, बढ़ती हुई डिग्री होल्डर्स की डिमांड को देखते हुए हमने हर एक गली नुक्कड़ पे एक एक कमरे के इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित कर दिए। नहीं मिलता हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, हर जमी को कोई आसमान नहीं मिलता। यह दिल वालों की नगरी है गुरु, किसी को दिल और कोई दिल से नहीं मिलता। देश की तरक्की को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने के लिए लग रहा है कि कुछ ऐसे ही बाधक तत्व सामने आ रहे हैं कि देश की तरक्की मुकम्मल अंजाम तक नहीं पहुंच रही है। देश की तरक्की को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने के लिए आपके पास क्या क्या सुझाव है? देखिए, जहां तक बाधक तत्वों की बात है, केवल दो ही बाधक तत्व हैं, एक तो मुंबई के भाई और यूपी की बहन जी। मुंबई के भाई सुपारी लेते हैं और यूपी की बहन जी चूना लगाती हैं। मुंबई के भाई टिकट काटते हैं और यूपी की बहन जी टिकट बांटती हैं। मुंबई के भाई जिस पर हाथ रख देते हैं वो उठ जाता है और यूपी की बहन जी जिस पर हाथ रख देती हैं वो बैठ जाता है। इन दोनों भाई बहनों का रिश्ता कुछ ऐसा है कि उससे रक्षाबंधन भी डरा करता है। इनके बंधन में जो फंस जाए उसकी रक्षा तो वाहेगुरु भी नहीं करा करता है सच में। और इनके मुंबई के भाई के चंगुल में जो फंस जाए वो अमर हो जाता है और यूपी की बहन जी के चंगुल में जो फंस जाए वो अमर सिंह हो जाता है। चंपा के दस फूल और जूही की एक कली, मूर्खों की सारी रात और विद्वानों की एक घड़ी, इस एक घड़ी में आने का हमें सौभाग्य मिला है। सुना है आप लेखक रह चुके हैं और कविताएं भी लिखते हैं? जी, मैं कविता लिखता भी हूँ और कविता मैं अपने साथ भी लाया हूँ। कविता मेरी बेटी का नाम भी है। कविता को हमेशा अपने साथ रखता हूँ क्योंकि कोई और तो सुनता ही नहीं, कभी कोई सुनने वाला नहीं है। मेरी कविता का अनुमान है भारत की हकीकत। गा मेरे दीवाने दिल हमसे कोई बात करे हम नहीं इस काबिल। बस यही भूत सवार रहता है हिंदुस्तान पर कुछ भी हो जाए लगाते हैं हर इल्जाम पाकिस्तान पर। खालिद बट अपने सियासतदानों को बस यही सिखाइए हमसे बात तो कीजिए पर हमें मुंह ना लगाइए। कभी हमारा गुजारा यूं भी चला करता था जब वीसिया के साथ गीत माला मिला करता था। हमारी हकीकत बिल्कुल है उमा भारती की तरह, जो दिखने में कुछ और है और करने में कुछ और। विश्व का एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे 3-3 किलोमीटर तक आपको दूध की दुकान नहीं मिलेगी पर हर 3 कदम पर आपको दारू की दुकान मिलेगी। तो सब जानते हैं कि दूध पीने वाला तो 3 किलोमीटर चल ही लेगा। उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आपके हौसले को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि आप हौसलों के बल पे उड़ान कर रहे हैं, लेकिन एक भावना यह भी है। चक दे फट्टे नब दे के लिए सुबह जलंधर शाम नू दिल्ली। इतना व्यस्त आज यहाँ कल वहाँ, स्पष्ट नहीं, और इस व्यस्तता को आप आड़े नहीं आने देते हैं अपनी सफलता के बीच। आपकी सफलता के राज क्या है? देखिए, सब जानते हैं कि मेरी सफलता के राज या तो मैडम जी हैं या रामदेव जी का कपाल भाती और अनुलोम विलोम। आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। पूरा मुल्क इसका कायल हो चुका है। मुझे भी सिखाइए। आइए आइए चलिए। देखिए, ये तो है अनुलोम विलोम। ये बचपन से ही दोनों इकट्ठे हैं पर आज दोनों इसलिए काम कर रहे हैं तो आप इनको अंबानी ब्रदर समझ सकते हैं। ये है कपाल भाती। इसलिए जब आप सांस अंदर लेते हैं तो आपका पेट सिकुड़ जाता है जैसे भारत की अर्थव्यवस्था।
जब आप श्वास बाहर करते हैं तो पेट फूल जाता है, बढ़ जाता है, जैसे हम मिनिस्टर्स लोगों का धन। गुरु गुरु हाँ मैडम जी, हाँ हम लोग पहुंच जाएंगे। ओके, कहाँ चलना है मुझे? मैडम का फोन आया है, कह रही है रामदेव जी का कैंप लगा है, आप चलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, चलिए।